हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो लोग तंबाकू या गुटखा का सेवन करते हैं उनके जो दांतों का कलर होता है वो डार्क ब्राउन, रेड, येलो या फिर ब्लैक हो जाता है। वो लोग गुटखा खाना तो नहीं छोड़ सकते लेकिन अपने दांतों को साफ जरूर करवाना चाहते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो के थ्रू यही बात करूंगी कि जो गुटखा या तंबाकू खाने से जो दांत खराब हो जाते हैं उनको साफ कैसे किया जाता है। तो मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली। जो गुटखा और तंबाकू खाने वाले लोग होते हैं उनके जो दांतों की जो मार्जिन होती है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, ये जो जिंजाइवल लाइनिंग होती है वो एकदम रेड, ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन हो जाती है, जिसकी वजह से जिसको स्टेन बोला जाता है। और जिस साइड से ये जो मतलब जो गुटखा और तंबाकू खाने वाले लोग होते हैं वो एक साइड से ही खाते हैं, तो जिस साइड से ये ज़्यादा खाते हैं उसी साइड से ये जमा होने लग जाती है और वो ज़्यादा डार्क ब्राउन या ब्लैक हो जाता है, जिसकी वजह से उनके दांतों में झंझनाहट भी हो जाती है और दिखने में भी बहुत गंदा लगता है। अब जानते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन में दांत है तो उनको क्लीन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आप लोग अगर ये सोचते हो कि घर में ही तंबाकू के जो स्टेंस है या तंबाकू गुटखे के खाने की वजह से जो ब्लैकनेस हो गया उसको घर में ही ठीक कर सकते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाइट जरूर हो जाएंगे अगर घर में कुछ घरेलू उपाय से आप करना चाहोगे, लेकिन पूरी तरह से एकदम वाइट नहीं होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा और जो डेंटिस्ट है उनके पास एक स्केलर्स होता है, स्केलर मशीन होती है, जिससे वो आपके दांतों की क्लीनिंग करेंगे, यानी कि स्केलिंग करते हैं। जैसे कि ये जो मशीन होती है वो इस टाइप की दिखती है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। इस स्केलर मशीन से वो आपके जो जितने भी स्टेन होते हैं उसको क्लीन कर देंगे और एकदम आपके दांत है वो वाइट हो जाएंगे, पहले जैसे वाइट हो जाएंगे। अगर दांतों की जो स्टेन है वो दांतों की जो ऊपरी लेयर होती है जिसको इनेमल कहते हैं वहाँ तक ही है तो एकदम क्लीन हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये डार्क, ज़्यादा डार्क हो जाती है और अगर ये डेंटिन में चली जाती है तो उसको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब क्लीन तो हो जाएगी बट वो एकदम वाइट नहीं होंगे, थोड़ा बहुत येलोविश डिस्कलरेशन दिखेगा। तो अगर आप तंबाकू या गुटखे का सेवन करते हो तो मैं तो ये बोलूँगी कि इसको बंद कर दो, क्योंकि उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अपने दांतों की कम से कम सफाई रखिए और डेंटिस्ट के पास जाके उसको क्लीनिंग करवाते रहे। हर 2 या 3 महीने में आप अपने दांतों की सफाई करवाइए, जिससे आपके दांत स्वस्थ रहे और सही रहे। अगर दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।